भुला दूँ गुस्ताखियाँ उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊँ, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं लखनऊ हो जाऊँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने नवाबी अंदाज, गंगा जमनी तहजीब, मुगलई पकवान और चिकन कारीगरी के लिए मशहूर है। दरअसल लखनऊ वो तिलिस्म है जिसमें कैद हुआ शख्स कभी आज़ाद नहीं होना चाहता। लखनऊ वाले जानते हैं कि बीमार से ये पूछना कि क्या आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बीमारी की रामबाण दवा है। तमाम गिरावट के बाद भी फिरका परस्ती आज भी इस शहर में आते हुए शर्माती है। इस बेमिसाल बाकमाल शहर की लोक मान्यताएं हमें बताती हैं कि कभी ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का शहर हुआ करता था। नाम था लक्ष्मणपुर, जो बाद में घिसते घिसते लखनऊ हो गया। लखनऊ वो अफसाना है जिसे जितना सुनते जाइए उतना ही दिलचस्प होता जाता है। एक किस्सा कुछ यूं है कि एक साहब मुंबई से लखनऊ आए और जूतियां खरीदने की गरज से एक दुकान में गए। जूतियां उन्हें पसंद आईं, लेकिन दुकान और उसके नौकर की हालत देखकर उन्हें लगा कि शायद जूतियों की पैकिंग ठीक से न हो पाएगी। अतः उन्होंने अपने नौकर से कहा, सुनो, इसे बराबर से पैक करना। इस पर दुकान के मुलाजिम ने कहा, शहजादे, आप इतने बेचैन मत होइए, अभी तो बेटी बाप के घर है, जब आप तक बेसलीका पहुँचे तब गिला कीजिएगा। यह है लखनवी अंदाज। इस अदब के शहर की एक और खासियत है, यहाँ एक आदमी भी मैं नहीं हम होता है। हजरतगंज का एक चक्कर लगा लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। साथियों, मैं प्रेमचंद पांडे, आज मैं लखनऊ में हूँ, जो नज़ाकत का शहर कहा जाता है, तहजीब का शहर कहा जाता है और नवाबों की नगरी बोली जाती है। मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना, आपका परिचय कराना, जिन्होंने तकरीबन 50-55 साल अपने दिए हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए और अभी भी सक्रिय हैं। और आज सौभाग्यवश उनका जन्मदिन भी है, तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उस शख्सियत से और उनसे जानते हैं उनके जीवन यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो आपको आज आपका जन्मदिन है, मैंने सुना, देखा, शुक्रिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत, आपको ईश्वर लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन दे। और मैं उन चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ सर आज, जो बहुत कम लोगों ने एड्रेस किया है या लोगों ने उसको उतना महत्व नहीं दिया। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी युवावस्था कैसी थी, उस समय लोग क्या सोचते थे वन्य जीवों को लेके या वन को लेके, मानव वन्य जीव संघर्ष की क्या स्थिति थी उस समय, लोग उस समय उसको किस निगाह से देखते थे, उसके संरक्षण के लिए लोगों में कितना चाह थी कि हाँ इसको बचाना है। जी, तो वो जो आपने फ़र्क देखा तब से लेके आज तक, उसमें आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़ा चेंज आया है, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसको हम, उसकी भरपाई हम कैसे करें, आपका अनुभव क्या कहता है, मैं उस पर जानना चाहूँगा सर। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ, हम ऐसे परिवार से थे सर, और जहाँ जब हम छोटे थे तो शिकार वगैरह का प्रचलन था, शिकार बहुत खेला जाता था, तो हमने भी जिस परिवार से जो चीज़ हमको विरासत में मिली, हम भी शिकार वगैरह खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे ख्याल से 1980 के आसपास जब शिकार पे प्रतिबंध लग गया तो शिकार छोड़ दिया हम लोगों ने खेलना। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि बिली अर्जन सिंह से हमारे परिवार के बहुत अच्छे संबंध, बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जी। तो जब तक शिकार खेलते थे तब तक तो उनके आसपास गए नहीं क्योंकि नाराज़ होते थे वो। उसके बाद में धीमे धीमे जब जाना शुरू किया तो उनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा।
और वो हमसे जब बात करते थे फिर उन्होंने हमसे कहना शुरू किया कि कौशलेन तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। ओके तो अच्छा हमारा जहाँ तक जो दुआ से लगाव जो है वो हम छोटे थे मेरे ख्याल से 7-8 साल के रहे होंगे तो 1957 में दुधवा पहली बार हम गए। ओके जब मेन रेस्ट हाउस में रुके और परमिट था 15 दिन का जी हमारे फादर उनके मित्र लोग जी जी तो शिकार के लिए गए थे जी जी तो वो तभी से एक लगाव जैसा बना। फिर जो बिली अर्जन सिंह ने कहना शुरू किया कि कौशलेन यहाँ ये खराबी हो रही है यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है जी जी फिर होता ये था कि हम जाते थे जी हम और हमारे साथ जो जी सी मिश्रा जी दोनों लोग जी जी और उन्हीं के घर पर जाके रुकते थे। ओके तो शाम को जैसे जाड़े के दिन हैं तो उनके कमरे में फायरप्लेस के पास आग जलवा दी बैठ गए बातें होने लगती थी जी जी फिर वो एक एक मुद्दे को उठाते थे। अच्छा अब उसके बाद जैसे एक दिन उन्होंने अचानक कोई बात चली 5 हाथी जो है वो रेल लाइन पे कट गए थे तो उन्होंने फ़ोन आया उनका तो हम लोग भाग के गए तो वो बड़े चिंतित थे एक ही दिन में ट्रेन से 5 हाथी ट्रेन से कट गए मर गए तो हमने कहा बताइए क्या करें तो उन्होंने कहा कि मैंने एक चिट्ठी उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया जी उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ये रेल लाइन बाहर से कर दी जाए जंगल के तो हमको निकाल के दी माधवराव सिंधिया की चिट्ठी का जवाब जो आया था हमको दिखाया और एक कॉपी हमको दी जी उसमें माधवराव सिंधिया एग्री कर गए थे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ उस ज़माने में 25 करोड़ का जो खर्चा आएगा थोड़ा सा कुछ जो काम होगा या सर्वे होगा तो उन्होंने कहा कि ये यूपी गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा जी शायद यूपी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं हुई। आगे वही चिट्ठी जब मैं हाईकोर्ट गया हूँ और हाईकोर्ट में मैंने वो चिट्ठी पेश की है तो उसके दम पे हम इतना करा ले गए थे हाईकोर्ट ने हमारी बात मान ली थी और ट्रेन बंद करने का आदेश हो गया था 31 मार्च 2019 के बाद ट्रेन नहीं चलेगी। हालांकि बाद में लोगों ने उस ट्रेन को फिर चला लिया और हमने कंटेम केस फाइल कर रखा है वो आज भी पेंडिंग है। तो इसी तरह के वो मुद्दे बताते जाते थे और उन्होंने हमसे ये कहना शुरू किया कि भाई तुम देखो हम तो जितना काम करना था कर लिया और तुम यहाँ आते रहना और दुधवा को बचाना तो वो चीज़ कुछ हमारे जहन में बैठ गई कि हमको करना चाहिए हमारा शौक रहा है तो हम लगे रहे। काफ़ी चीज़ें जैसे 2012 में बहुत लंबी चौड़ी पेड़ों की कटान हुई और जब हमने बहुत लिखा पढ़ी की और उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जी जी तो उनके एक सेक्रेटरी होते थे शंभू सिंह यादव जी जी चिट्ठियाँ उनकी मेज पे सब इकट्ठा हो रही थी। एक दिन अचानक उनका फ़ोन आ गया स्टाफ ने कहा वो आपसे बात करना चाहते हैं मैं बात कराइए तो कहने के आपकी सारी चिट्ठी मेरे मेज पे रखी हैं और इस पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद जो है मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ कि हाँ मिल लीजिए मैं गया मिलने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मिले हमसे कहने के आप चाहते क्या हमने कहा साहब ऐसा है कि कॉम्बिंग ऑर्डर कर दीजिए कॉम्बिंग होनी चाहिए। उन्होंने उसी वक्त फील्ड डायरेक्टर संजय सिंह थे उनको फ़ोन मिला दिया हमसे कहने के किसको हमने कहा जी सी मिश्रा जी को भेजिए बड़े अच्छे अफसर हैं और बड़ा अच्छा तजुर्बा है। खैर संजय सिंह को भेजा गया मिश्रा जी गए वहाँ पर कटान उटान मिश्रा जी ने तो नोट की अपने कागज़ पर लेकिन साथ में जो उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर था तो वो अब उनके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करें बहरहाल उन्होंने साफ से कह दिया कि कॉम्बिंग में तुम बताना नहीं कि इधर कटान का पेड़ है मतलब सब गोलमाल कर दिया। ये लौट के भी आ गए उसका किसी ने पूछा भी नहीं लेकिन हुआ ये कि इतनी दिखा पड़ी के बाद जो है वो किसी लेवल पर सरकार को सोचना पड़ा तो एक जाँच के लिए पी पी सिंह को भेजा गया। पी पी सिंह तब तक वहाँ से शायद ट्रांसफर हो चुके थे जी जी तो इन्होंने एक रिपोर्ट करीब 40-42 पन्ने की तैयार की और जिसमें जगह जगह इलाकों में 10,000 पेड़ कटा था। ओहो और उसमें कुछ में तो दिखाया गया कि पकड़ लिया और जुर्माना लिया लेकिन ज़्यादातर में ये था कि पता नहीं लगा और कैसे हुआ कहाँ हुआ इस इलाके में
वो भी चिट्ठी मैंने जो है अपने कागज़ जो है वो बहस के दौरान हाई कोर्ट में मैं खुद ही आर्ग्यू करता था क्योंकि मुझे वकील को समझाना नहीं पड़ता था, मुझे सब रटा हुआ था, मैं बोलता था बिल्कुल। तो मैंने यही बेंच से कहा था कि जिस नेशनल पार्क का कानून ये कहता है कि एक आप डाल नहीं काट सकते पेड़ की, और यदि आंधी से एक पेड़ सड़क पे आ जाता है आप उसको किनारे कर सकते हैं, वहाँ से ले भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। वहाँ 10,000 पेड़ कट गए। हाँ, आपको पता नहीं। और मज़े की बात यह है कि वो आज भी केस पेंडिंग और फाइल गायब हो गई, तो फाइल है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो अफसर जो है इस तरह के आने लगे जो सुनने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। अरे मैं ये कहता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, मैं तो इसलिए एक बात कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे बात करके ही कहिए कि देखिए साहब ये चीज़ आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। या मैं कह रहा हूँ कि जैसे फ़र्ज कर लीजिए कि भादी ताल में अपनी आँखों से 100-150 तक हमने बारहसिंघा देखा, तस्वीरें हैं मेरे पास आज भी, मिश्रा जी साथ गवाह हैं। फिर जाना शुरू किया धीरे धीरे, तो मालूम पड़ा 4 दिखाई दिए, और शायद आखिरी बार जब वहाँ हम गए हैं तो 1 दिखा। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ तो क्या दिक्कत है अगर अफसर हमको अपने, मान लीजिए आप कहते हैं वो टूरिस्ट जोन नहीं है, आप नहीं जा सकते, आप अफसर तो हमको ले जा सकता है कि साहब आइए ज़रा देख लें चल के। तो इस तरह की बातें हैं और कोई मानने को तैयार नहीं होता, और इससे बड़ा भारी नुकसान ये हो रहा है कि समय निकलता जा रहा है जी, समय जा रहा है। आप जो अफसर बैठा हुआ है नहीं सुन रहा है, चला जाएगा, बाद में जब ये होगा कि यहाँ तो बचे ही नहीं, तब हम किसको पकड़ेंगे। 2016 में जो उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, दोनों डिपार्टमेंट देख रहे थे वाइल्ड लाइफ और वो, उन्होंने 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया को बयान दिया, मेरे पास कागज़ रखा हुआ है, कि हम 5 कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं जी। आज तक मेरे ख्याल से 1 नहीं हुआ है, आज 8 साल हो गए, 1 नहीं हुआ है। तो ऐसे कैसे हुआ कि आप बयान कुछ दे रहे हैं और बन काम हो नहीं रहा है। वो कॉरिडोर अगर बन जाएं तो देखिए हमारा कहना ये है कि फिर उत्तराखंड से लेकर के और आपके ये पीलीभीत तो किशनपुर और दुधवा और कतरनिया घाट और आप उधर वाल्मीकि विहार तक चले जाइए, नेपाल तक चले जाइए, तो टाइगर का मूवमेंट होने लगे। अभी क्या हो रहा है, टाइगर बाहर निकल के आ रहा है। मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि साहब टाइगर जो है बढ़ गया है, चलिए मान लेते हैं बढ़ गया है, तो बाहर आ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? आपके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? जैसे सर अगर मैं पुरानी बात करूँ तो अभी तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग एक तरह से वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि हाँ भाई चलो कुछ लोग करने वाले बढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बढ़े हैं, डिपार्टमेंट ने अपने को स्ट्रेंथन किया है, सो कॉल्ड कह लीजिए, पेपर पे कह लीजिए, नए लोग आ रहे हैं जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि अभी नए लोगों के, चाहे वो IFS हो, रेंज अफसर हो, जो नया आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ एक अच्छी सोच लेके आ रहा होगा। आपका क्या कहना है, क्या वो उससे बेहतर हो रहा है? देखिए इसी वजह से मैं कहता हूँ कि फिर ऐसी सूरत में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का बहुत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जी। वहाँ ये मुद्दे तय होने चाहिए कि कैसे क्या किया जाए और कौन हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल अग्री, है कि नहीं? अग्री, अग्री, है ना? बिल्कुल सर। कि हम तो कहते हैं कि बहुत बड़े ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनसे आप बात करिए कि साहब हमको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब जैसे इस वक्त जो काम बहुत लोग उसमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो अंबानी जो काम कर रहे हैं उन्होंने मान लीजिए कुछ कमियां हर चीज़ में, वो ठीक है, रेस्क्यू सेंटर वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं रेस्क्यू सेंटर नहीं है, करीब ले आए, अरे कुछ भी है, देखभाल तो इतनी अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको आप बता दीजिए इंडिया में कहाँ पे इस तरह की देखभाल जानवरों की? एकदम सर, ऐसा इंतजाम जो, और फिर उसको करने की जरूरत क्या, वो कर रहा है तो फिर क्यों? अब अगर ऐसा है कि वो मान लीजिए कह रहे हैं कि नहीं हम तो साहब इसलिए कर रहे हैं, आप उनसे बात करिए कि साहब हमारी मदद करिए, यहाँ पे आप कह रहे हैं आप रेस्क्यू वाला काम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये करके दीजिए। अब स्ट्रेइंग वाले में अब आपने ये देखा कि महा मुश्किल से पहले तो तैयार नहीं थे, हमारी PIL में कहा गया था कि चेन लिंक फेंसिंग करिए और कोई रास्ता बचा नहीं जी। क्यों? लोग पसंद नहीं कर रहे थे ना गांव वाला और ना जंगलात के जो कर्मचारी हैं। क्यों?
फेंसिंग होने के बाद चोरी कैसे होगी? बिल्कुल, करोड़ों रुपए का फॉरेस्ट प्रोड्यूस चोरी हो रहा है जी। उनको ही लगता है ये अगर फेंसिंग हो गई तब तो हमारा तो खेल खत्म। उसमें लकड़ी है, शहद है और आपके हर्बल तमाम तरीके की ग्रास हैं, ये है, हड्डी है, खाल है, दुनिया की चीज़ें हैं, कैसे होगा फिर? लेकिन अब वो जो करना भी शुरू किया तो इतना घटिया काम किया कि पहले ही दिन हाथियों ने तोड़ दिया सब। अब लोग ये जानते हुए कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, लिखते हैं, हमारे पास रोज़ सुबह हर जिले से आने लगता है कि आज यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, उसे ये स्थिति चल रही है बहुत ख़राब। स्टाफ की कमी है जी। स्टाफ, अच्छा फिर स्टाफ की कमी के साथ साथ एक जो नई चीज़ हुई, पता नहीं किसी ने अपनी बात को ठीक से रखा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप फॉरेस्ट स्टाफ से देना बंद करिए, सबको बाहर कर दीजिए। अब क्या हुआ कि वो तो छोड़ दीजिए, रेस्ट हाउस खाली पड़े हुए हैं तो एक रेवेन्यू लॉस तो हुआ ही हुआ जी। स्टाफ शिथिल हो गया बिल्कुल भाई, जैसे अगर हम जाके 3 दिन के लिए रह रहे हैं तो स्टाफ एक्टिव है, अब वो शिथिल है। अभी इस बार भी हमने देखा, हम किशनपुर गए तो वहाँ रेस्ट हाउस पे चाय नाश्ते का कुछ कर दिया है टूरिस्ट के लिए इंतजाम, छोटा सा एक ढाबा जैसा, वहाँ रुके देखा, मालूम पड़ा अपने अपने जाड़े के दिन, अभी भी जाड़ा था जी जी, अपने अपने जो कमरे थे उसके बाहर स्टाफ चारपाई पे लेटा हुआ अपने आराम कर रहा है, जब उसको लगता है कोई आने तो हमारी समझ से वो भी एक स्टेप गलत है। इस पर लड़ना चाहिए था कि साहब ये नहीं होना चाहिए, वो आबादी लोग आते जाते रहें, स्टाफ एक्टिव रहे, फिर ये हमको विरासत में जो मिली जी, ये आज तो किसी ने बनाई नहीं बिल्कुल, ये तो अंग्रेज बना के दे गए एकदम सर एकदम। तो हम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, स्टाफ एक्टिव रहेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं साहब, नहीं मानते हैं। सर एक और बड़ा मुद्दा है, माफ़ करिएगा, मैं ये वाइल्ड लाइफ क्राइम, उसमें मैं देख रहा हूँ सर कि आए दिन मुझे ये सुनने में देखने में आता है कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट बॉडी ने या कई ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके टाइगर स्किन सीज की, लेपर्ड की स्किन पकड़ी, टर्टल पकड़े, तो इनका पकड़ना ही अपने आप में ये साबित कर दे रहा है कि भैया क्राइम तो हो रहा है। हम यही देखिए, तो अब सर इसके रोकथाम के लिए ये क्यों हो रहा है, रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? मैं कभी भी इससे एग्री नहीं करता हूँ। जब ये खाल हड्डी पकड़ के तस्वीर खिंचवा के खड़े हो जाते हैं, हमने कहा आप लेट हो गए, अब तो मार दिया गया जाना। हाँ, अब क्या मतलब, अब वो खाल और हड्डी का हम क्या करें, अब तो वो कवायद बेकार है। आप लेट हो गए, आपको बचाना तो पहले। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो फिर ये तो गलत है ही है इसमें। पर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही सर? देखिए अब क्योंकि यहाँ मुझे दिखता है कि सीधा नुकसान हो जाता, एक जानवर गया, अभी कन्फ्लिक्ट है, चलो कुछ दिन चलेगा, पकड़ा जाएगा, रू जाएगा या रिलीज किया जाए, वो अलग मुद्दा है, पर यहाँ तो सीधा नुकसान है, जानवर मरा, खत्म, एक जानवर खत्म, एक टाइगर खत्म, लेपर्ड खत्म। नहीं बिल्कुल, इसके ऊपर देखिए सर, एक तो ढिलाई सबसे बड़ी ये है कि जो पकड़ भी जाता है तो इनकी पैरवी इतनी ख़राब होती है, किसी को सजा नहीं करा पाते हैं ये। अब आपको बताएं पीलीभीत का किस्सा है, पीलीभीत में एक टाइगरेस कुछ बीमार या इंजर्ड जैसी थी जी। हाँ, अभी हाल वीडियो आपने देखा होगा, गांव वालों ने लाठी से पीट पीट के मारा जी, उसमें अरेस्ट भी हुए 8 लोग। अब जब एक बताइए वीडियो है तो ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि साहब उसमें कोई गवाह नहीं है, बिल्कुल वीडियो है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें वो लोग अरेस्ट भी हुए, कुछ ही दिन में बरी हो गए, लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट वाले थे वो मिल गए और उनकी मदद करने के नाम पे छोड़ दिए गए, दवाई नहीं दी। तो कैसे होगा क्राइम कंट्रोल, कैसे होगा? ये किशनपुर के पास जो वो है आपके, कौन सा गांव है, चलतुआ जी, वहाँ भी एक टाइग्रेस को ऐसे ही मारा गया था। अच्छा सर, इसमें नेपाल का कितना रोल है, क्योंकि खुली सीमा है आर पार हमारी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लेकर के इधर खटीमा पीलीभीत उत्तराखंड बॉर्डर तक खुली सीमा है हमारी भारत नेपाल की। क्राइम तो दोनों साइड होता है जी उनको। अब आपको जैसे हम बता दें बहुत पुरानी बात जी, एक ज़माने में हम सोहेलवर शिकार खेलने जाते थे जी, तो वो ये 1970-75 के बीच की कहीं बात होगी जी, तो वहाँ स्टाफ जो है गार्ड, दो वाइल्ड लाइफ गार्ड रहते थे, वो बताते थे कि साहब ये बताइए उधर से जब 100 आदमी और वो भरने वाली बंदूक भरू ये टुकिया और ले करके चलता है
और कोई भी जानवर आए तो उसमें 10-20 आदमी तो फायर कर देते हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ जाएं जी। तो वो तो बहुत पुरानी चीज़ है और सोहेलवा ख़त्म उसी में हुआ, तो हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, उधर वाले भी कर रहे हैं। तो सोहेला सर पूर्व में क्या टाइगर साइट बहुत था, टाइगर तो हैबिटेट तो सर नहीं नहीं अच्छा मशहूर टाइगर का ब्लॉक था हमारे यहाँ, हमारे परिवार ने शिकार खेला, टाइगर के लिए मशहूर था। अच्छा सर आपको ये कैसे प्रेरणा मिली कि अब हम ये अब हमें कब आपने ये डिसाइड किया मुझे संरक्षण के लिए काम करना है? नहीं वही आपको बताया जब शिकार बंद हुआ है। अच्छा तो आप जंगल घूमने का शौक तो सही और बिली अर्जन सिंह साहब के संपर्क में जा गए तो उन्होंने पूरी तरीके से हमारे ऊपर छोड़ा और उन्होंने कहा कि कौशलेंद्र आते रहना, बल्कि हमसे कहते थे तुम यहीं रहो। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने आखिरी बिल्कुल जब बहुत बीमार वार रहने लगे थे तो अंग्रेज़ी में कहा कि आई हैव पास्ड ऑन द हैमर टू यू कि अब तुम जो है आगे बढ़ाइए इसको, तो वो हम अपने करने में लगे रहते हैं। तो ये है कि हालात हमारे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है और इसमें हमें कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो भ्रष्टाचार भी है जी, वो एक संकल्प की कमी सर, वो जो होना चाहिए कि हाँ नहीं एक एक स्टेज वो आ गई थी, बिल्ली साहब ऐसा आदमी भी हमसे कहने लगा, कहने कौशलेंद्र ऐसा है कि अरे भाई थोड़ा बहुत पैसा कुछ ले लें लेकिन काम तो करें, वो ये कहने लगे थे कि कहाँ तक हाँ, इस पर हम तुम लड़ें, कहने पैसा ले लें लेकिन काम तो करें। तो सर क्या भविष्य देख रहे हैं अभी क्या? हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अब सर देखिए और कंट्रीज़ का हमको मालूम है जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पोस्ट होती है वो फील्ड पोस्टिंग है, वो हेड जो है वो खुद ही फील्ड में घुसा रहता है रुकत, ये बैठ के मेज के ऊपर थोड़ी काम चलता है कि सेक्रेटेरिएट से एक कागज आया, आपने इधर से जवाब दिया उधर गया, और जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो फील्ड में जाके करे क्या। फिर कितने ऐसे अफसर हमने पीछे देखे हैं, 2 महीने रहे 3 महीने रहे, कैसे काम चलेगा। जैसे DGP पुलिस वाले केस में शायद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसे को बैठाया जाए जिसके कम से कम 2 साल का टेन्योर हो, तो वो आप करिए लंबा टर्म दीजिए, आप इसमें सीनियर जूनियर में मत पड़िए। तो आपके मुताबिक एक तो सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार हो जा रहा है, बिल्कुल कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं जी, वो केवल अपना बैलेंस बढ़ाने में ही विश्वास रख रहे हैं जी, और दूसरा आपको ये नई पीढ़ी जो आ रही है इनसे नई उम्मीद है? नई पीढ़ी जो आ रही है ये सीनियर अफसर जो है उनसे ये लोग दब जाते हैं, ये लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखिए जैसे फंड्स वाली बात आई, आपको हम बताएं कि जिस ज़माने में कमर्शियल अप्रोच थी तो टीक और यूकेलिप्टस लगा दिए गए और उसको बाद में अब कहा जाता है कि नहीं ये हमारे यहाँ के लोकल इसके लिए बहुत हार्मफुल हैं, उसके नीचे कुछ होता ही नहीं है, लाइन से पेड़ खड़े हुए हैं बिल्कुल, तो ये मुद्दे उठे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया और उनकी जो एक बाकायदा वो बनी हुई एक कमेटी उसके सामने जाने की ज़रूरत है, और आप पीलीभीत कतरनिया दुधवा सब जगह काफ़ी मात्रा में टीक और यूकेलिप्टस है, आप हटा दें तो UP फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आपको एडवांस पैसा दे देगा क्योंकि वो भी तो खाली बैठे हैं, वहाँ आप कम से कम 8 IFS अफसर बैठाए हुए हैं, आप ये काम दे दीजिए तो हो सकता है पैसा ही पैसा आपके पास आ जाएगा। वरना हालत क्या है कि जो जिसको हम लोग वॉचर कहते हैं जो डेली वेजर है शायद मुश्किल से 6,000 रुपये महीना मिलता है, उसको आप 15-15 महीने पैसे नहीं दे रहे। हाँ बताइए। और अफसर जो है उसके बैंक अकाउंट में 1 तारीख को पैसा डायरेक्ट आ जाता है, बिल्कुल जो भी 1-1.5 लाख। और वो तो सर बैकबोन है, वो तो वॉचर ना असली तो। अच्छा वो थोड़ा बहुत तो प्रोटेस्ट करते हैं, बीच बीच में धरने बैठते हैं, लेकिन उनका काम चोरी से चल रहा है। अब सर क्या करेगा, रोटी तो उसको भी खानी है, वो चोरी करके चूल्हा तो उसको भी जलाना है सर, बच्चे तो उसके भी हैं, पैसा आप दोगे नहीं तो चोरी करेगा। अब आप देखिए कितनी जटिल समस्याएं हैं, लेकिन हमें मंत्री बहुत स्ट्रांग चाहिए, सख्त, बहुत सख्त। वन मंत्री हमारा जो सख्त चाहिए, बिल्कुल सर। शराफत का काम नहीं, शराफत से नहीं रहता।
शराफत, क्योंकि सर जब नैतिकता, मुझे लगता है नैतिकता मर गई तो डंडे से ही काम होगा, शराफत से कुछ नहीं, डर से ही हो सकता है। भाई बिन होए न प्रीत जो बोला गया ना। अच्छा आग वाला मसला देखिए जी, आज के 3 तारीख में पराली जलाने पे जुर्माना है जी, जी। कितनी सख्ती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके कूड़ा जलाने पे जुर्माना है 5 से 15,000 रुपए जी। फॉरेस्ट में जो अंग्रेज एक पुरानी चीज छोड़ गए कि हम ग्रासलैंड जलाएंगे और हम फायर लाइन जलाएंगे, अरे भाई बहुत पुरानी बात है। अब जब कार्बन इमिशन को लेके हम लोग पोल्यूशन को लेके इतने परेशान हैं जी, जी। तो आप अब मॉडर्न टाइम्स में मशीन ऐसी आती हैं, मशीन हाँ, कटवा तो उसमें खर्चा होगा। ओके। ये एक तिल्ली का काम है, तिल्ली लगाई जलने लगा और उसमें मशीनरी में पैसा लगेगा, वरना आप हमको बता दीजिए सर उसमें नुकसान भी तो बहुत होता है। सुनिए वैसे हमें बता दीजिए, जैसे ये घास है तो हम इसको और हरा करने के लिए आग थोड़ी लगा देते हैं, मशीन चलाते हैं, घास और फैलती है, नई निकलती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसमें अभी 28 फरवरी को जब मैं गया हूँ किशनपुर, ये पीक पीरियड है जंगल फाउल और स्वाम पार्ट्रिज और काले तीतर वगैरह जो ज़मीन में अंडा घोंसला देते हैं, पूरा वही इलाका जलाया गया है, तो उनके अंडे बच्चे, उसके अलावा उनका खाना दीमक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रेप्टाइल सब आपने मार दिए, तो आप बचाने का काम कहाँ कर रहे हैं? आप तो मारने वाला काम कर रहे हैं। तो आप और कोई रास्ता आप निकालना नहीं चाहते हैं और बात आप करना नहीं चाहते हैं। ये हैं इस तरह की समस्याएं। सर मैं देख रहा हूँ आपने जो ये अजायब घर बना रखा है यहाँ पे, तो इसमें तो सर मैन पावर बहुत लगते होंगे, कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, सुबह और शाम 2 बार 2 आदमी दाना पानी करते हैं। ओके। बाकी ये बीच बीच में सफाई करा देना जी, जी। और या किसी पिंजरे में कुछ खास इंतजाम देखना हो तो वो कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब विदेशी होंगे सर? ज्यादा सब एग्जॉटिक एग्जॉटिक, इंडियन तो रख ही नहीं सकते हैं। बड़ा खूबसूरत लान सर, सौंदर्य प्रेमी तो आप हैं, इसमें तो कोई उंगली रख ही नहीं सकता है। वो आपका सौंदर्य प्रेम बता रहा है कि आपने जीवन में क्या किया होगा।